हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज हम इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की हिस्ट्री जानने लगे हैं कि क्यों, मतलब क्या क्या, मतलब वो जो दरमियान में लाइन थी वो कैसे बनी, क्या कुछ हुआ। गौरव ठाकुर भैया का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। 15th August 1947, लुधियाना स्टेशन पर दोपहर के वक्त लाहौर से आई हुई एक ट्रेन रुकती है और जैसे ये नजारा सिर्फ एक डब्बे का नहीं बल्कि पूरे की पूरी रेलगाड़ी का था, तो किसी की आते बाहर निकली हुई और ट्रेन के पीछे लिखा हुआ था नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। दोस्तों, इन्हीं लाशों पर खड़ा किया जा रहा था आजाद भारत और नफरत की कोख से अभी अभी पैदा हुआ पाकिस्तान। कौन सही था और कौन गलत था ये तो इतिहास ही जानता है और उस समय के हालात। पर फ्रेंड्स, हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज दोस्ती यारी दुनियादारी की बातें छोड़कर आज हम बात करने वाले हैं 1947 उस दौर की, जब करोड़ों लोगों का बना बनाया बसा बसाया घर उजड़ गया, वो भी रातों रात। लाखों लोगों का खून भरा और न जाने कितनी कलाइयां, मांगे और गोदे सूनी पड़ गई। दिवाली पर जले घर और होली खून से मनाई गई। दूर देश से आया एक फिरंगी खींच दी लाल लकीर, मिलते थे जहां पर कंधों से कंधे, चमक उठी शमशीर। हुआ जन्म एक नए मुल्क का, लेकिन सिक्का फिर भी अपना था, फिर मिलेंगे अपनों से, आंखों में यही सपना था। ना अपने मिले, ना लकीरें मिटी, ना फिर से सब आबाद हुआ, जब जब भरोसा किया गैरों पर सब अपना ही बर्बाद हुआ। ये बात है आजादी के दौर की, जब 200 सालों की अंग्रेजी गुलाम के बाद भारत को आजादी मिलने वाली थी। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का मन बना लिया था और लोग अब एक आजाद वतन में सांस लेने वाले थे, लेकिन 1940 में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाने वाले लोग भारत का बंटवारा करो ऐसे नारे लगाने लगे। और ये कुछ लोग अपना ही एक अलग सा मुल्क चाहते थे और ये सारी करतूत थी मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने लोगों को ये कहकर उकसाया कि हम आजादी के बाद हिंदुओं का गुलाम बनकर नहीं रहने वाले, भारत आजाद तो होगा लेकिन दो देश बनकर। और अगर ऐसा, जिन्ना के इस धमकी के बाद हिंदू और मुस्लिम में महीने भर महीने, साल भर साल फासले बढ़ते चले गए। लोग भारतीय से हिंदू या मुसलमान हो गए। आदमी आदमी रहा ही नहीं, वैसी बन गया था सब, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और एक ऐसा वक्त भी आया जब ये कलेश इतना बढ़ गया, खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी, लोग एक दूसरे के घर को जलाने लगे। इसमें ना औरतों की इज्जत देखी गई, ना बच्चों की मासूमियत देखी गई, और अगर कुछ देखा जा रहा था तो बस सिर्फ ये कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। ए, सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझ कर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। चारों ओर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का मंजर फैल चुका था। हमारे तो वहाँ कई लड़कियों ने अपनी इज्जत बताने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। कितने घरों को जला दिया गया, कितने मूर्त। आजादी से पहले का ये काला दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। और ये सब होता देख संसद में बैठक बुलाई गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। नेहरू, पटेल और गांधी अखंड भारत की जिद में थे और जिन्ना के सर पर अलग मुल्क का भूत सवार था। और ये लड़ाई फिर बढ़ती ही गई। हिंदू और मुस्लिम के बीच की दरार अब दीवार बन चुकी थी। और अब इस घटना के लगभग 10 महीने बाद, यानी कि 24 मार्च 1947 को, इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आए नए वाइसरॉय माउंटबेटन, जिन्होंने भारत को 1948 में आजादी देने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन जिन्ना ने भी उनके सामने एक नए मुल्क बनाने का फरमान जारी किया। जिन्ना ने कहा, भारत आजाद तो होगा लेकिन हम हिंदुओं की गुलामी नहीं करना चाहते, और इसीलिए भारत को दो मुल्कों में बांटकर उसे आजाद किया जाए, और यही एक सही फैसला होगा। रब, ऐसे में कई महीनों तक कई बैठकें होती रही, नेहरू, गांधी और पटेल को मनाने की पूरी कोशिश चलती रही, और उसी दौरान पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग इस तरह झुलस रही थी, जिसे देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को ये मानना पड़ा, इस फैसले के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। पर गांधी जी झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि बंटवारा अगर होगा तो मेरी लाश पर से। और अब हर कोई कंफ्यूजन में पड़ गया कि अब करे तो करे क्या। एक तरफ एक पूरा देश नफरत की आग में जल रहा था और दूसरे तरफ देश के राष्ट्रपिता गांधी जी अपनी जान देकर बंटवारा रोकना चाहते थे। और ऐसे सिचुएशन में ये फैसला ले लिया गया कि आजादी के साथ साथ भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे।
लेकिन उस वक्त जो आजादी का समय 1948 से खिसकाकर पूरे 11 महीने पहले यानी कि अगस्त 1947 में प्रीपोन कर दिया गया, जिस फैसले को माउंटबेटन ने कुछ इस तरह पेश किया कि वो भारत को जल्द से जल्द आजाद कर रहे हैं, जिसे सुनकर मुस्लिम लीग को ये लगा कि माउंटबेटन उन्हें जल्दी से जल्दी एक नया मुल्क दे रहे हैं। और अब फ्रेंड्स, माउंटबेटन तो ठहरे बिछोलिया, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में तो उन्हें जाना ही था, और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में और 15 अगस्त को इंडिया में वो पेश हुए। पर अब भी एक चीज बाकी थी और वो थी लकीर। दोनों देशों को आजादी तो मिल चुकी थी पर बंटवारा नहीं हुआ था, और अब तक लोग सरकार के इस फैसले से खुश तो थे पर ये अब तक तय नहीं हो पाया था कि दोनों देशों में ये बंटवारे की लकीर आखिर खींचेगा कौन, और भाईचारे और अब तक एक ही परिवार के हिस्से देश को अलग किस आधार पर किया जाएगा। लेकिन माउंटबेटन जी के पास इन दिल को छलनी कर देने वाले सवालों का बड़ा ही आसान सा हल था, और वो था एक अंग्रेजी वकील जिसे यहाँ के लोगों की भावनाएं, संस्कृति, समाज, इतिहास और यहाँ तक की भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सीधा भारत का नक्शा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे दो लाल लकीर खींच दी और ये ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, अब भारत आजाद होने वाला है। और अब इसके तीन टुकड़े कर दिए गए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि अभी बांग्लादेश है और जिसे जो मुल्क में जाना है वो जा सकता है। पर संसद में तो नया नक्शा पेश ही नहीं किया गया था, लोग जानते ही नहीं थे कि बॉर्डर कहाँ है, कहाँ देश खत्म होता है और कहाँ से नया देश शुरू होता है। उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि नए भारत की राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी कराची है, और बस इसी अंदाजे से लोग अपने अपने मुल्क की ओर बढ़ने लगे। और इसी दौरान सिर्फ बॉर्डर लाइन पता ना होने की वजह से लोगों के बीच कई लड़ाइयां छिड़ी। कोई कहता ये पाकिस्तान की जगह है तो कोई कहता ये भारत की जगह है। तो उस गाड़ी में काफी बड़ी मात्रा में जो है लोगों को हत्या करके वहाँ उसमें डाला गया था। किसी की बाजू नहीं है, किसी का सिर नहीं है, लोगों मृत हिंदुओं से भरा हुआ था, माताओं बहनों से नगन शरीर थे, माताओं बहनों के भी, वो भी उसी में पड़े हुए थे। और इन्हीं लड़ाइयों के चलते 1,40,00,000 लोग बेघर हो गए रातों रात। इतना रांची में सुबह के वक्त पाकिस्तान का फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके ठीक अगले दिन भारत में भी 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जहां चेहरे तो हर किसी के हंस रहे थे मगर दिल अंदर से छलनी हो चुका था। लोगों का आजाद और खुशहाल भारत का सपना एक मायूस आजादी में बदल गया था। और फिर आया इन सारी चीजों में आजादी का एक और एक नया मोड़। आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 की दोपहर में लाहौर से लुधियाना स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है। गाड़ी के पीछे ये लिखा था, नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। और इसे देखते ही एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम के बीच में घमासान जंगे शुरू हो गई। पूरे दो दिन बीत चुके थे लेकिन लड़ाइयां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो देख के माउंटबेटन ने इन दोनों घायल देशों को एक और एक झटका दिया, और वो था बंटवारे वाला नया नक्शा। ये दिन आजादी का तीसरा दिन था यानी कि 17 अगस्त 1947, जब इस नक्शे को इन दोनों देशों के नेताओं के सामने माउंटबेटन ने पेश किया, और इसे देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस नए नक्शे के मुताबिक 50,00,000 से भी ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में और 50,00,000 से ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रह गए थे। और अब इस नए नक्शे को देखने के बाद दोनों देशों के लीडर्स का खून खौलने लगा, और अब सभी ने मिलकर रेडक्लिफ, जिसने वो मैप पर लकीर खींची थी, उस पर बहुत सारी खरी खोटी बातें करना शुरू कर दी। और इसके बाद साइरिल रेडक्लिफ को इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बंटवारे के पैसे लेने से इनकार कर दिया। और फिर इस बंटवारे के बाद दोनों देशों के सरहदों पर लोहों की बाढ़ लगा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू जनता भी आ चुकी थी। पर अब शांति बनाए रखने के लिए जिन्ना ने यह ऐलान किया कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू अपने मजहब को बिना किसी दबाव के मान सकते थे, और अब इस सबसे शांति का माहौल टेम्परली तो बन गया था, लेकिन अब बंटवारा होने वाला था चीजों का। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो भाइयों के बंटवारों से कम नहीं था, जहां पर सरकारी दफ्तरों की कुर्सी के टेबल से लेकर लाइब्रेरी में रखे गए इंसाइक्लोपीडिया की किताबें सभी कुछ आधी बांट ली गई थी। जहां पर सबसे पहली बात आई राजशाही बोगियों की, जिनकी संख्या टोटल में 12 थी जिसमें से 6 सोने की थी, और अब ऐसे में दोनों देशों में सोने की बोगियों के लिए बहस छिड़ गई और इसे सुलझाने के लिए टॉस किया गया, और फैसला हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया, जिससे सोने की बोगियां
इसके अलावा हिंदुस्तान को 1/3 आर्मी सेना का हिस्सा, 5 मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कराची और लाहौर में से 2 शहर कराची और लाहौर, और रेलवे लाइन का 40% हिस्सा पाकिस्तान के नाम पर करना पड़ा। और साथ ही साथ भारत के बजट कोष में से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की भी बात की गई, ताकि वो अपने नए नवेले देश में जरूरी विकास कर सके। लेकिन अब तत्काल में भारत ने 75 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ रुपीज ही दिए और बाकी के 55 करोड़ देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी मार काट, इतने विध्वंस के बाद भारत में बेघर, बेसहारा और लाचार लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, जिनके लिए उन्हें जल्द से जल्द एक नया स्थायी ठिकाना, खाने पीने और इलाज की व्यवस्था बहुत जल्दी करनी थी। और इन सब मरम्मतों के लिए भारत के मुद्रा कोष में बचे पैसे इनफ नहीं थे, और इसीलिए ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को बचे गए 55 करोड़ रुपीज नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये बात गांधी जी को नागवारा हुई और वो अनशन पे बैठ गए और वो अपने जिद पे अड़े रह गए कि उन्हें पैसे दो, और जिसकी वजह से हमें 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को देने ही पड़े। और उसके बाद बात आई राष्ट्रीय झंडे की, जिसके लिए माउंटबेटन ने एक चाल चली। हिंदुस्तान के लिए स्वराज का तिरंगा और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का झंडा, और दोनों के एक कोने पर ब्रिटिश झंडे की फोटो लगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिन्ना ने इसे ना कहकर इनकार कर दिया कि वो इस्लामिक झंडे में क्रिश्चियन क्रूस को नहीं छपवा सकते, और वहीं पर नेहरू जी ने भी एक नया झंडा बनाकर माउंटबेटन को भेज दिया, जिसमें चरखा की जगह पर अशोक का चक्र था। लेकिन अब इन सब के चलते अब फिर एक और नई मुसीबत आ खड़ी कर दी थी भारत के रजवाड़ों ने। सबसे पहले जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने बिना किसी को बताए उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान के नाम कर दिया, और ये खबर लोगों को और सरकार को अगले दिन अखबार पढ़कर हुई। और इसे देखकर जूनागढ़ के लोगों का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आने लगा, क्योंकि वहाँ की 90% जनता तो हिंदू थी, तो अब करे तो करे क्या। और तब पटेल और नेहरू जी ने मिलकर ये फैसला किया कि ऐसे में नवाब को आड़े हाथों लेकर जनता चुनाव करवाया जाए, ताकि फाइनल फैसला लिया जा सके। और वोटिंग का रिजल्ट आप सबको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली जनता के हित में आया, और सिर्फ उस नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। जूनागढ़ वेल वो इंडिया में ही विलय हो गया। पर अब दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर के राजा हरि सिंह पर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का दबाव बनने लगा, और क्योंकि कश्मीर की जनता ज्यादातर मुस्लिम थी तो ये दबाव और भी ज्यादा होने लगा, और उसके बाद हरि सिंह को भारत का सहारा लेना पड़ा। और ऐसे में भारत ने हरि सिंह की मदद तो की, पर बदले में कश्मीर में अपना सैन्य अधिकार रखने की समझौता करवा ली, जिसके अंतर्गत कश्मीर के नियम कानून और सरकार तो खुद की होगी, लेकिन जब जब देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तब तक कश्मीर को भी भारत के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अब हालांकि धारा 370 हट चुकी है और कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो चुका है, पर उस वक्त से लेकर आज तक हालात बहुत गुजरे, बहुत कुछ बदला। दोनों देशों की टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और शिक्षा व्यवस्था को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। वेल, मैं आपसे पूछना चाहता तो ये थी यार सारे कहानी भाई, बड़ी खतरनाक कहानी थी देखा जाए। वैसे एक बात, उस टाइम के लोगों ने बड़ी यार मतलब मुश्किलें झेली है, ये बात है। अरे जूनागढ़ का मैं तो आपको बता रहा था, उसका पोता के इस तरह अभी भी इधर भाई नवाब बन के घूम रहा है और कहता है मुझे जूनागढ़ वापस चाहिए, उधर सारे हिंदू रहते हैं, तू तो ये वापस देते हैं। अच्छा मैंने एक बात नोट की है यार, उस टाइम लोगों में इतनी नफरत नहीं थी जो आजादी के 7 साल पहले लोगों में नफरत बढ़ी है। 1940 से पहले पहले लोग आपस में बहुत ज्यादा थे। बात है यार, वो नफरतें बढ़ाई हैं, पॉलिटिशियंस ने कुछ। अच्छा इसमें हाथ अंग्रेजों का भी बड़ा था, उन्होंने भी बड़ा किया है अंग्रेजों का और पॉलिटिशियंस ने मिलकर नफरत जाहिर बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी यार एक मतलब हिस्ट्री, आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है अपनी राय बताना। और जिस तरीके से कश्मीर का मसला यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मतलब जिस तरह जूनागढ़ वाले ने उसके नाम पे कर दिया, उधर से उसके नाम पे कर दिया था भाई, मतलब ये अलग ही सीन था। तो आपके कहना है इसके ऊपर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो तो बताना, अपना बहुत ज्यादा खराब मत है यार।